सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। देखो देखो, सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी आप लोग सुबह ही वीडियो देख रहे हो गए, तो गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी चल रहे हैं यहाँ पे एक बाइक मॉडिफिकेशन शॉप है, हफीज बॉय बाइक पॉइंट करके, तो यहाँ पे जाएंगे। मैंने दो दिन पहले मैं उधर गया था, तो मुझे वहाँ पे दो ब्रेक और क्लच लीवर्स दिखे थे, मॉक्सी ब्रेक एंड क्लच लीवर्स, जो कि एडजस्टेबल थे, तो मुझे वो लगाना था। तो आज मैं जा रहा हूँ और शायद उसे लगा लूँ। मैं पहले प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेगा, उसके बाद लगाएंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि वो मॉडल R15 के लिए अवेलेबल है या फिर नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी चल रहे हैं, देखते हैं क्या उधर मिलता है या नहीं। लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारे एक्सेसरीज है, मैक्सिमम तो वो अदर टूरिंग एक्सेसरीज देखा मैंने, मैक्सिमम टाइप का। मतलब आप लोग लद्दाख वदाख जाना या फिर रॉयल एनफील्ड का जो मैक्सिमम सैडल बैग और जो बाकी सब एक्सेसरीज आते हैं टूरिंग के लिए, वो सब एक्सेसरीज भरा भरा पड़ा है उधर। तो देखते हैं, फॉग लाइट्स वगैरह भी है, लेकिन वो सब मुझे नहीं लगाना। मुझे एक्चुअली अभी लगाना है जो है एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर, लेकिन उसको मतलब हाथ पे लेके देखने के बाद ही, और R15 के लिए अवेलेबल है क्या वो देखने के बाद ही वो तय करेंगे लगाएंगे या फिर नहीं। कुछ नहीं लगाएंगे, नहीं तो एक्सप्लोर भी कर लेंगे। आप लोगों को थंबनेल में तो दिख गया होगा लगाया है या नहीं, तो आप लोग तो थंबनेल क्लिक करके ही आए होंगे। और आप लोगों को मुझसे पहले पता होगा, अभी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो में जब देखोगे थंबनेल में आप लोगों को पता चल गया होगा ब्रेक लीवर्स लगाए हैं या फिर क्या लगाया है मैंने वीडियो पे। तो यार सो गाइस, मैंने ये लिया है अपने B3 में लगाने के लिए। तो इसको ये लगता है एक्चुअली यहाँ पे, ये जो ब्रेक टू ब्रेक का कवर है ये इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा और बहुत ही ख़तरनाक लुक देगा, आप लोग जैसे देख सकते हो। तो ये इसको मैं लगाने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा क्या लुक आता है इसको लगाने के बाद। तो गाइस, वो वाला ब्रेक वाइल सील कैप वाला तो लगा नहीं मेरे बाइक पे, तो R15 का मुझे यहाँ पे एक क्रैश गार्ड मिल गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। और मेरा क्रैश गार्ड का भी बहुत ही पुराना हो गया था और क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं था, तो मैं ये लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। So guys, ये देखो अभी सामने से बाइक का लुक आ रहा है ऐसे, मतलब ज़्यादा कुछ निकला नहीं है, लेकिन जो है बहुत ही सही लुक आ रहा है। देखो यहाँ पे मेरा जो वेनम का जो मुँह है वो भी काट नहीं हुआ है इस कार्ड की वजह से,
और ओवरऑल मैं आप लोगों को सुबह का भी एक लुक दे दूंगा वीडियो में, अगर पॉसिबल हुआ तो। ये देखो साइड से कुछ ऐसा लुक आ रहा है इस बाइक पे। सो गाइस देख सकते हो जो है यही है, बहुत ही सही लग रहा है मुझे तो फिलहाल बाइक अपना देखने में। यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है तो लाइट थोड़ा इंक्रीज करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है बाइक का लुक, सामने से कुछ ऐसा लग रहा है। और ये है साइड का लुक, ये साइड से कुछ ऐसा लग रहा है, ये साइड से ऐसा लग रहा है मेरा बाइक ये लेग गार्ड लगाने के बाद। अब लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कवर अप हुआ है भाईजर्ट, और हैंडल से भी ये थोड़ा 2 या 3 इंच लंबा है, जिसकी वजह से बाइक अगर गिर गया तो इन दोनों के ऊपर बाइक पूरा स्टेबल हो जाएगा और बाइक पे एक भी स्क्रैचेस नहीं आएगा। सो चलो जो भी हो बाइक भगाते हैं अभी। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो का लाइक हम रखते हैं 500 लाइक्स। सो बाय गाइस, वो